अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, लगातार जलपल्ली के इलाकों में मुसलसल आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर सड़कें सही नहीं हैं, पानी का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, ड्रेंज का पानी लगातार बहते रहता है, कोई पुरसाने हाल नहीं। बड़ी अफसोस की बात है, शाही नगर से वेंकटापुर की जाने वाली सड़क से गंदा पानी बह रहा है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है और मस्जिद में आने वाले मुसल्लियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर कई लीडर्स मुस्लिम्स भी है, लेकिन कुछ काम के नहीं। बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह का काम को अंजाम नहीं दे सकते। जो लोग मोरियों का पानी, ड्रेनेज का पानी का इंतज़ाम नहीं कर सकते, सही साफ़ सफाई नहीं कर सकते, लोगों को सहूलत नहीं पहुँचा सकते, वो आगे क्या बड़ा काम करेंगे? अब वो लोग वोट मांगने आए तो उनसे सवाल करिए। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, ऐसे लोग आप पर मुसल्लत होते रहेंगे। आज ये पार्टी में रहे, कल दूसरी पार्टी में रहे, ये अपने मफाद के लिए ही काम करते हैं, लेकिन आवाम के लिए नहीं। ज़रूरी है कि आप सवाल करने वाले बन जाएं। अगर आप सवाल करेंगे तो यकीनन तब्दीली आएगी और हमारे इलाकों की हालत बदलेंगे। आप किसी ना किसी डर के वजह से सवाल नहीं करते। ऐसे लोग अगर डराकर सियासत करते हैं तो फिर इनकी सियासत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इनके डर से निकलिए, ये सिर्फ डरा सकते हैं आप के ये नौकर हैं। जब इलेक्शन आता है तो आपके पैर पड़ते हैं, आपसे भीख मांगते हैं वोट की, जब जीत जाते हैं तो आप पर ही जुल्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम भी उतने ही कसूरवार हैं जो जुल्म सहते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सवाल करें, क्योंकि हम हमारे वोट से ये लोग जीत के आते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, यहाँ पर सविता इंदर रेड्डी और रंजीत रेड्डी जो बीआरएस के एमपी थे, कुछ काम नहीं किए। ये 5 सालों में आवाम को परेशान करके रख दिए हैं। यही के जिम्मेदार ने ये वीडियो हम तक पहुँचाया ताकि हम इसको मंजर आम पे लाएं। देखते हैं।